हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ये वीडियो बनाने का मेरा पूरा पर्पस यही है कि अगर मान लीजिए आपको डेटा एनालिसिस में स्टार्ट करना है, तो मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है कि कोई रिटेल डेटा हम लें और उस पर फिर हम एक एक करके एनालिसिस करें और देखें कि कैसे डेटा साइंस या मशीन लर्निंग मॉडल उस पर अप्लाई किए जा सकते हैं। बात यह है कि डिटेल डेटा को एनालाइज तो करना है, पर उसके लिए पहले डिटेल डेटा तो होना चाहिए हमारे पास। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं बताऊँगा आपको कि कैसे आर से हम डिटेल सैम्पल डिटेल डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और उसको हम कैसे एनालिसिस को प्रोसीड कर सकते हैं कि किस तरह से एनालाइज करें, क्या एनालाइज करें, क्या देखें अगर हमारे पास डेटा है तो उसको किस तरह से अप्रोच करें। तो ये वीडियो बेसिकली उस डायरेक्शन में है कि भाई डिटेल डेटा आया तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती हैं और किस तरह से हमें उसको अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहले हम क्रैन के चलते हैं। क्रैन इज़ नथिंग बट जैसे आर में जितने भी पैकेजेस हैं उनको आर्काइव किया हुआ है क्रैन में। क्रैन इज़ नथिंग बट योर कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। तो जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह हैं वो सब आर की क्रैन पे मिलेगी। अब मुझे क्रैन पैकेजेस बाय नेम पे जाना है। इसमें मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि भाई अगर आपको पैकेज एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे पैकेज हैं, अनगिनत पैकेजेस हैं। तो मान लीजिए मैं सिर्फ रिटेल सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एफ करके ओके रिटेल सर्च कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे रिटेल जब मैंने सर्च किया तो इसमें मुझे दो तीन ऑप्शन मिले, कंप्लीट जर्नी डेटा विच इज़ रिटेल शॉपिंग डेटा और एक ऑनलाइन रिटेल डेटा है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब इसकी इसके बारे में है कि भाई कब लॉन्च हुआ था, 21 में लॉन्च हुआ था, कौन सा वर्जन पे चलेगा, डिपेंडेंसी क्या क्या है। तो एक ऑनलाइन रिटेल प्लस पीडीएफ है विच इज़ द रेफरेंस मैनुअल। मैं इसको ओपन करूँगा। अब ये देखिए बेसिकली 3 पेज का डॉक्यूमेंट है और ये पैकेज नेम है, ठीक है। अब वो बता रहा है कि इस पैकेज के अंदर इन्होंने ये डेटा विच इज़ ऑनलाइन रिटेल डेटा को एम्बेड किया है। अब इसमें क्या क्या है, में कितने कॉलम्स हैं, इट हैज़ 8 कॉलम्स, ठीक है। अब इनवॉइस नंबर है, स्टॉक कोड है विच इज़ क्यू नंबर भी बोल सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वांटिटी क्या है, इनवॉइस डेट और फलाना डिटेल्स हैं। अब क्या करते हैं, मैं इस पैकेज को आर में कॉल करूँगा और उस डेटा सेट को इम्पोर्ट करते हैं। तो चलिए आर ओपन करता हूँ, आर स्टूडियो ओपन करूँगा। क्या करूँगा, नई स्क्रिप्ट बनाऊँगा, अभी बाद में डाउनलोड कर लूँगा, अभी नई स्क्रिप्ट खोलते हैं, ठीक है। और इंस्टॉल डॉट पैकेजेस करते हैं, क्या नाम था पैकेज का, ऑनलाइन रिटेल, ठीक है भाई ओके। इसको किया, चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अब इसको इन्वोक कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर इस पैकेज में मैं देखूं कि क्या क्या है, देखें भाई, देखिए ऑनलाइन रिटेल डेटा ऑलरेडी है। मैं क्या करूँगा, इसको डीएफ में स्टोर करा लूँगा, ठीक है। अब जस्ट हेड ऑफ डीएफ मुझे देखना है, तो ये देखिए, ठीक है। अब और अच्छे से देखना है मान लीजिए तो क्या करते हैं, जो हेड ऑफ़ डीएफ है उसको DF1 में स्टोर करा लेता हूँ। तो आपको यहाँ एनवायरनमेंट में दिखा दूंगा। अब देखो क्या क्या है, इनवॉइस नंबर बेसिकली बिल नंबर हो गया आपका, ट्रांजैक्शन आईडी भी बोल सकते हैं, स्टॉक कोड मतलब प्रोडक्ट कोड क्या है या स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या है या SKU नंबर क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, जैसे वाइट हैंगिंग हार्ट लाइट होल्डर, बेसिकली गिफ्ट शॉप के आइटम्स हैं, क्या क्या क्वान्टिटी ली, कौन से इन्वॉइस डेट थी, बेसिकली किस डेट पर ट्रांजेक्शन किया, यूनिट प्राइस क्या है, कस्टमर आईडी क्या है और कंट्री क्या है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड जो मेरे हिसाब से हैं दैट इज़ क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस। बेसिकली प्राइस वॉल्यूम प्ले आ गया है यहाँ पे। उसके बाद कस्टमर आईडी है, किन कस्टमर्स को बेच रहा हूँ, तो उससे हम कस्टमर रिलेटेड एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद रीजन है, कंट्री है, भाई कहाँ कहाँ बिक रहा है सामान, तो एक रीजन स्पेसिफिक एनालिसिस भी हो सकती है। अब अगर आपको देखना है बेसिकली कि भाई इसके अंदर क्या क्या है और क्या समरी है, क्या समरी स्टैट्स हैं, तो सबसे या तो आप एक चीज़ करिए कि भाई इसको राइट डॉट एक्सएलएसएक्स
लाइब्रेरी मेरे ख्याल से इंस्टॉल नहीं है मेरे पास, एक सेकेंड देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, राइट डॉट एक्सेल, चलो सी एस वी में डाल देते हैं, कोई बात नहीं। सी एस वी में मैं इसको जो डी एफ है उसको मैं राइट कर लूँगा, रिटेल रिटेल डेटा डॉट सी एस वी और रो डॉट नेम्स फॉल्स कर दूंगा। ओके, अब ये एक्सपोर्ट हो रही है, बेसिकली हाफ अ मिलियन रिकॉर्ड्स है, अगर आप देखोगे तो 540K रिकॉर्ड्स हैं, तो काफ़ी टाइम लगेगा मुझे, मेरे ख्याल से ओपन भी नहीं होगी शायद, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि कहाँ हुई है, मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में हुई होगी विच इज़ लाइक डॉक्यूमेंट्स, अच्छा देखो रिटेल डेटा है, तो क्या करेंगे हम, मैं एक्सेल में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों को एक्सेल अच्छे से समझ में आती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं सारी एनालिसिस आपको आर में ही करके बताऊँगा। अच्छा सबसे पहले करेंगे भाई इसका, इसको एक्सेल एस एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, ओके एक्सेल वर्कबुक थोड़ा सा आसान हो जाता है, देखिए मैं आपको पिवट लगा के समझा रहा हूँ पर मेरा इंटेंशन ये है कि जो भी मैं समझाऊंगा उसको फिर आर में वापस से करके बताऊंगा, ऐसा करते हैं इसको डेटा मॉडल में भी डाल देते हैं, इससे कि हमको यूनिक काउंट ऑफ अगर इनवॉइस आईडी निकालने हैं एट अ कस्टमर लेवल तो वो भी हम निकाल सकते हैं। आई थिंक सबर करना पड़ेगा, कोई नहीं सबर कर लेंगे, हाँ ठीक है। तो अब आप बेसिकली देखिए कि जो स्टॉक कोड है, अब ये कितने आइटम्स हैं हमारे पास, अच्छा अगर आप देखें टोटल तो ये अराउंड 4000 आइटम्स वो गिफ्ट शॉप बेच रहा है, ठीक है ऐसी क्वांटिटी निकाल के देख लेते हैं कि भाई सॉर्ट कर देते हैं, चलिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बेसिकली ये कुछ आइटम्स हैं, इसका डिस्क्रिप्शन ले आते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड इट अ बिट बेटर, रिपोर्ट लेआउट शो इन टैबुलर फॉर्म रिपीट ऑल आइटम डिटेल्स, ठीक है भाई। अच्छा अगर आप ये देख रहे होंगे और क्या क्या है यार यहाँ पे, ठीक है आप ये देख रहे होंगे कि एक स्टॉक कोड पे मल्टीपल आइटम्स हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन मल्टीपल है, तो मेरे ख्याल से ये शायद पेरेंट्स क्यू है, इसमें जो बेस प्रोडक्ट है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो जो मोस्ट एटॉमिक क्यू कोड है वो नहीं है, शायद पेरेंट कोड है, देखो ना पेरेंट कोड ही है, ओके। अब अच्छा अब एक चीज़ और, जस्ट मैं इसको फिर से कर देता हूँ सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो बेसिकली देखिए पॉपकॉर्न होल्डर है, स्मॉल पॉपकॉर्न होल्डर है, ग्लाइडर्स असिस्टेड डिज़ाइन है वगैरह वगैरह, तो ये तो आपकी स्टॉक कोड की समरी हो गई थोड़ा सा, ठीक है। अब मान लीजिए यही मुझे देखना है कि एट अ कस्टमर लेवल क्या है, स्टॉक कोड हटा के उसको कस्टमर कोड ले आऊँगा, कस्टमर आईडी। अच्छा एक चीज़ और करते हैं इसको करने से पहले, एवरेज प्राइस ले लेते हैं सर, एवरेज यूनिट प्राइस, अच्छा ये फिर हो गया क्या, एक सेकंड रुकिए इसको मैं फिर से सॉर्ट कर देता हूँ। अच्छा आप देखिए अच्छा देखिए इन्फ्लेटेड पॉलिटिकल ग्लोब है, ग्रूवी कैक्टस इन्फ्लेटेबल है, रैपिंग टेप है, डॉगी रबर है, अब इसका आप एवरेज प्राइस देखिए, इन सब का बहुत कम है, मान लीजिए अगर मैं नीचे जाता हूँ तो कुछ का शायद 9.8 वगैरह है, अब मैं अगर इसको एवरेज प्राइस से सॉर्ट कर दूँ, तो एवरेज प्राइस से तो सॉर्ट ही नहीं हुआ, मोर सॉर्ट ऑप्शंस, अगर मैं इसको डिसेंडिंग करूँ एवरेज प्राइस से, देखते हैं ये देखिए आप क्या क्या है, किसका एवरेज प्राइस यार, डॉट कॉम पोस्टेज है, मिरर विथ शटर्स है, विंटेज रेड किचन कैबिनेट है, बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि आप
अगर मान लीजिए आपके पास रिटेल डेटा एनालिसिस करनी है, और आपको कोई बोल रहा है यार कि मेरे पास इम्पोर्टेंट्स क्यों क्या है, तो आप यही देखोगे ना कि भाई जिसकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी सोल्ड हुई है वो होगा। तो देखो इस तरह से आप कर सकते हो। और अगर मुझे फिर देखना है कि यार भाई प्राइजेस वगैरह की इनकी कैसी है डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर मैं एवरेज प्राइस से दे सकता हूँ। फिर दूसरा एनालिसिस और क्या मैं कर सकता हूँ, या दूसरा एस्पेक्ट क्या है, मैं कस्टमर आईडी पे भी तो बात कर सकता हूँ, जैसे टोटल, और इनकी कंट्री क्या है, कंट्री भी ले आते हैं, चलिए ठीक है। और इसको मैं, तो बेसिकली जो मेरे मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर, ही क्या हो रहा है, जो मेरे मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं वो कौन कौन है। अच्छा काफ़ी सारे तो मैप्ड अननोन है, पर उसके बाद जो मेरे हैं वो ये देखिए आप, नीदरलैंड, मतलब ये कुछ कस्टमर्स हैं नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, जिन्होंने काफ़ी ख़रीदा है। मिनिमम क्या है देख लेते हैं। अच्छा कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने रिटर्न किया है बहुत, और कुछ हैं जिन्होंने बहुत कम कम आइटम्स ख़रीदे हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे, मैं एनए हटा दूँ, ठीक है, और मुझे ये देखना है कि जो टॉप कस्टमर्स हैं वो कितने परसेंटेज क्वांटिटी खरीदते हैं, जैसे 100 क्वांटिटी है, तो जो टॉप कस्टमर्स हैं वो कितना क्वांटिटी परसेंटेज खरीद लेते हैं, तो मैं क्या करूँगा, J4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ, इसको फिक्स कर देंगे अपन, ठीक है, परसेंटेज क्या है, तो मैं इसको पेस्ट करूँ इधर, तो क्या क्या ले रहा है ये, अच्छा ठीक है, तो फिक्स कर देते हैं। सबको फिक्स कर दो भाई, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि मैं, मेरे जो, देखिए जो मेरे टॉप 20 कस्टमर्स हैं दे आर बाइंग लाइक 22% ऑफ द टोटल वॉल्यूम दैट आई हैव, तो ये एक तरीका है कि भाई मेरे टॉप कस्टमर्स हैं, फिर उनको मैं अलग से रीच आउट करके कुछ बेनिफिट्स दूँ या कुछ स्पेशल टारगेटिंग करूँ। तो ये मैंने आपको एक बहुत ही थोड़ा सा फ्लेवर दिया है कि भाई, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें लिमिटेड फील्ड्स हैं, अब एक फील्ड मैंने नहीं ली है, वो बेसिकली टाइम एंगल है कि भाई अक्रॉस टाइम क्या हो रहा है, भाई क्या रिसेंसी फ्रिक्वेंसी मॉनिटरी, यू नो, सेगमेंटेशन है कस्टमर्स का, तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक फ्लेवर दिया था कि भाई आप कैसे रिटेल डेटा को डाउनलोड करके आर से फिर उसको एक्सेल में लेके देख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं बताऊंगा, अगर आप मेरे शॉर्ट्स फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने वो इसी पे फोकस किया है कि भाई रिटेल डेटा पे ही हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो, और इट इज़ ऑल्सो वेरी डेटा रिच। तो कभी भी रिटेल सेक्टर में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यार डेटा ही नहीं मिल रहा, जैसे हमें फिनेंशियल ट्रांजेक्शन या फिनेंशियल सर्विसेज में प्रॉब्लम होती है, या मान लीजिए हेल्थ केयर में प्रॉब्लम होती है, भाई डेटा ही नहीं मिल रहा, या कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंस्ट्रेंट्स हैं, या डेटा रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से डेटा नहीं मिल पा रहा, पर रिटेल में सेल्डम ऐसी प्रॉब्लम होगी, जनरली डेटा मिल जाता है आसानी से। तो अब नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं जैसे डिमांड फोकास्ट, प्राइसिंग एनालिसिस, कस्टमर सेगमेंटेशन वगैरह कवर करूँगा इसी डेटा सेट पर। मैं आपको बताऊँगा कि कोई भी डेटा अगर आपके पास है रिटेल फॉर्म में, तो आप उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं और कैसे कुछ यूज़फुल एनालिसिस आप कर सकते हैं। मैं आगे वीडियो पोस्ट करता जाऊंगा, आप इस वीडियो को देखिए, अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए।